हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप टॉक बैक प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, टर्न ऑफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको बहुत आसान ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप टॉक बैक प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। हर मोबाइल में एक कॉमन प्रॉब्लम होता है और इसको सोल्व करने का मैं आपको आसान ट्रिक बताने वाली हूँ। तो कि मैं यूज़ कर रही हूँ रियलमी नार्जो 20। तो चलिए टॉक बैक प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे कहीं भी टच करें तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कहीं भी टच करेंगे आप तो यहाँ पे देखेंगे कहीं भी बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। किसी भी ऐप को आप ओपन कर लें, देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी टच कर लेंगे आप बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको एक फिंगर की जगह आपको टू फिंगर का इस्तेमाल करना है, तभी आप उसको स्वाइप कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक वन फिंगर तो यहाँ पर आपको टू फिंगर का स्वाइप करना है। टू फिंगर्स, देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको स्वाइप करना है। लेकिन फ्रेंड्स, ये स्वाइप हो रहा है। इस तरीके से आपको आगे पीछे कर सकते हैं आप। एक फिंगर से मैं कहीं भी आगे पीछे करूँगी फ्रेंड्स, ये नहीं हो रहा है। इस तरीके की आपको स्वाइप करते हुए आपको सेटिंग ढूंढनी है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे यहाँ पे भी मैं कहीं भी टच कर लूँ तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए आप, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस तरह से स्वाइप करते हुए टू फिंगर से इस तरीके की आपको सेटिंग ढूंढनी है। अगर आपके मोबाइल में सेटिंग ना मिले तो इस तरह की आपको ढूंढना है ये सेटिंग। एक बार किसी भी ऐप को ओपन करने के लिए एक बार टैप करेंगे, फिर उस पर डबल टैप करना है। एक बार टैप कर दिए, सिलेक्ट हो चुका है, ग्रीन कलर का निशाना सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर आपको डबल टैप करना है। तो ये ऑन हो चुका है सेटिंग हमारा। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कहीं भी टच कर लेंगे वन फिंगर से तो बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा है। देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपको फिर से टू फिंगर का इस्तेमाल करते हुए आप उसको ओपन करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक फिंगर से आप कहीं भी टच कर लेंगे वो ओपन ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपको टू फिंगर का स्वाइप करते हुए आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में रहेंगे आप, एक बार टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे फिर कहीं भी टैप करेंगे आप तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो आपको टू फिंगर का स्वाइप करते हुए आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक बार टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे तो फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है। देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कहीं भी टैप कर लेंगे, फिर से आपको दिखाओ टैप करके। देखेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपको टू फिंगर का स्वाइप करना है इस तरीके से। अगर आपको टॉक बैक नहीं दिखती तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉक बैक है, ये टॉक बैक है, इस पर डबल टैप करना है। तो ये ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे फ्रेंड्स, कहीं भी टच कर लेंगे आप वो ऑन नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टॉक बैक का ऑप्शन मिला, इस पर टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, टर्न ऑफ का ऑप्शन है तो टर्न ऑफ टॉक बैक, इस पर क्लिक करेंगे, डबल टैप करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो चुका है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि हर मोबाइल में लग जाता है। कभी कभार आप बच्चे ऑन कर देते हैं, किसी से गलती से ऑन हो जाता है यहाँ से, तो आप इसको इस तरीके से आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। तो फ्रेंड्स, हर मोबाइल में आपको एक्सेसिबिलिटी ढूंढनी है। ऐसे आपको ना मिले तो आपको तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको टॉक बैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। और हर आप देखेंगे हर एक ऐप जो है ओपन हो रहा है। देखेंगे फ्रेंड्स, ब्लू टॉक बैक प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो चुका है। सभी फिंग अच्छे से काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सभी बटन जो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर किसी भी ऐप को आप ओपन कर लेंगे तो ये ओपन हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप कैसे भी टच कर लेंगे वो अच्छे से काम करेगा। किसी भी ऐप को ओपन कर लें आप तो ये टॉक बैक बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप टॉक बैक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।